हाय फ्रेंड्स वेलकम टू फातिमा पापा किचन आज का रेसिपी है कि अरवी और मटन के हड्डियों का शोरबा एकदम ज़बरदस्त रहता है इसको अपन चावल के साथ रोटी के साथ भी परोस सकते हैं तो लीजिए अपन अब अप शुरुआत करते हैं इसके लिए अपन अरवी को साफ धोकर एक अच्छा पानी डाल के कुकर में एक गले तक टू थ्री विजिल्स आज तक इसको स्टोव पर रख दीजिए पूरा अच्छा सा साफ धो लीजिए छोटे बड़े कौन से भी रहते भी अपन को प्रॉब्लम नहीं तो अलग से रख दीजिए दूसरे कुकर में अपन मटन और हड्डी के साथ थोड़ा सा मटन भी रहते भी बहुत बढ़िया रहता है इसलिए वैसे के हड्डियाँ लाकर आप लोग ऐसा थोड़ा सा मीन्स मैं एक आधा किलो का अरवी ली हूँ इसमें हंड्रेड ग्राम्स ऑफ हड्डियाँ मटन बोन्स डालते हैं और अपन ग्रेवी के लिए एक चार मीडियम साइज़ के ऑनियंस थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी अपन पूरा अच्छा तरीके से रख देते हैं गलने के लिए हड्डियाँ गलने के लिए रख देते हैं दो भी अपन रख दिए ना उसके बाद अपन छोटा सा पेस्ट प्रिपेयर कर लेंगे उसके लिए एक मिक्सी के जार लेकर एक थ्री टमाटोस मीडियम साइज के टमाटोस लीजिए और अपन इसमें ऐड करते हैं अदरक और लहसुन बीस लहसिन के कलियाँ और एक इंच का अदरक का टुकड़ा आप लोग के पास अल अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट है तो वो यूज़ कर लीजिए इसमें ऐड करते हैं इमली का पल्प कच्चे इमली का पल्प ये कच्चे इमली के पल्प से बढ़ाने से एकदम मज़ेदार बनता है अपना ग्रेवी तो कच्चे इमली का पल्प डाल लीजिए अगर आप लोग के पास नहीं है तो मामूल टैमरिन भी यूज़ कर ले सकते हैं तो देखिए इस तरह पूरा फाइन पेस्ट बना ले साइड में रख लीजिए देखिए अपने मटन के बोन्स और मटन भी गल चुका है अच्छे तरीके से और अपन एक पैन को चढ़ा के उसमें वन टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऑयल को डाल लीजिए डालकर अब अपन इसमें ऐड करते हैं पूरा अपना जो मटन का जो ग्रेवी है ना अपन मटन के बोन्स जो गला लिए सो पूरा इसमें डाल दीजिए डाल दे के अच्छा सा एक दो मिनट सोतेते कर लीजिए साते कर लिए बाद अपन इसमें ऐड करते हैं एक हैंडफुल ऑफ़ पुदीना हैंडफुल ऑफ कोतमीर धनिया के पत्ते उसको भी अच्छा से एक मिनट सोते कर लीजिए कर लिए बाद अपन जो पेस्ट बनाए थे ना टमाटो और जिंजर गार्लिक और कच्चे इमली का पल्प और पूरों को डाल देकर ये पूरे कच्चे है इसलिए वो कच्चा स्मेल गए तक अपन अच्छा से इसको पका लेना है है फाइव मिनट्स तक पका लीजिए पका लिए बाद अब अपन इसमें ऐड करते हैं एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर और टू टी स्पून ऑफ मिर्ची पाउडर आप लोग आपके टेस्ट के मुताबिक मिर्ची को दे के ऐड कर लीजिए देखीजिए इस तरह पूरा अच्छा सा मिक्स कर लिए बाद अब अपन इसमें ऐड करते हैं देखीजिए पूरा अच्छा सा मिक्स कर लीजिए कर ले के अपन कितना ग्रेवी होना समझे तो उतना पानी अपन इसमें ऐड कर लेना है ऐड कर ले के, इसको भी दो मिनट पका ले के अब अपन इसमें ऐड करते हैं ऑलरेडी अपने अरवी गल चुके हैं उसको पूरा स्किन निकाल दे के बड़े है सो छोटे छोटे पीसों में कर ले के, अच्छा से रख ली हूँ मैं ये पूरे निकाल अरवी अपने को ये शोरबे में डाल देना है देखीजिए इस तरह पूरे अरविया अपने शोरबे में डाल देकर पूरा अच्छा सा एक फ़ाइव टू टेन मिनट्स हाई फ्लेम लो फ्लेम में कर लेते फाइव टू टेन मिनट्स इसको पका लीजिए पका लेने से अपना एकदम मज़ेदार बढ़िया बनता है अपना शोरबा और थोड़े से लीव्स एंड में लीव्स डाल के इसको अपन अच्छा सा पका लेना है देख लीजिए अपना पक रहा है आप लोग ग्रेवी बोलते सो ग्रेवी कंसिस्टेंसी आप लोग की मर्जी थोड़ा थिक कर लेना समझे तो थिक कर लीजिए नहीं लूज़ करना समझे तो लूज़ कर लीजिए अपना ग्रेवी बन के तैयार हो गया है देख लीजिए एकदम मज़ेदार बढ़िया रहता है अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को शेयर करो और अच्छे अच्छे वीडियोस के वास्ते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो अगले वीडियो से फिर भी मिलते हैं जब तक के लिए Thanks for watching. Bye.